भ्रष्टाचार मुद्दा तो होता है, चुनावों में जोर शोर से उठाया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपने तमाम नेताओं के नाम भी गिना दिए जिनको चुनावी जीत हासिल हुई गंभीर आरोपों के बावजूद। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो चुनावों के ठीक पहले सुजाता पांडे जी अगर बढ़ जाएंगे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बेचैनी के पीछे की वजह क्या है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। इस पर क्या होगा जवाब आपका? एक तरफ जल जीवन मिशन, दूसरी तरफ ऐप घोटाला, तमाम तरह के घोटालों के आरोप थे। किसी वक्त जब एक जगह एक हफ्ते के भीतर वोट डाले जाने हैं और दूसरी जगह 15 दिनों के भीतर मतदान होना है। देखिए चित्रा जी, इस देश में हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। और तो क्या इसका मतलब यह है, जैसा कि आप कह रहे थे, क्या क्या जांच एजेंसियों को इन चुनावों का स्केड्यूल देख के अपना स्केड्यूल तय करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, चुनावों के वक्त में एजेंसियां आज से नहीं, हमेशा से सक्रिय होती आई हैं, क्योंकि इस समय मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसे जो काला धन है इधर से उधर जाने का कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं, और इसीलिए ये उनकी उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को वो ना होने दे, और इसलिए उनका सक्रिय हो। दूसरी चीज है कि विपक्ष के नेताओं पे क्यों, तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि प्राइमा फेसिया एविडेंस है क्या? तो उसके लिए तो हाँ है, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर ले आपके केस में, या फिर जो उनके मंत्री के यहाँ आज छापे पड़े हैं उसके बाद में, वो मामला कोई आज का नहीं है, 10-12 साल पहले का मामला है, और उसमें तो पूरा का पूरा एक हवाला ट्रांजेक्शन हुआ है, उसकी उसके साक्ष्य हैं। अभी आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में जो जिस केस में अशोक गहलोत के बेटे के लिए पे ईडी को बुलाया गया या समन किया गया, वो तो फेमा का मामला है, और वो भी आज से, वो भी 8-9 साल से चल रहा है ये मामला। और वो दूसरे और उसमें क्विड प्रो को मतलब मामला लेन देन का भी है कि पैसे लिए गए दिए गए उससे फायदा पहुंचाएगा, उसका मामला भी है। छत्तीसगढ़ में आ जाइए, वहां वहां पे भी है। और एक बात तो जीता जी, जहां छापे पड़े हैं, पहले तो ये बात सबसे पहले प्रूफ करनी चाहिए मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ पर है या नहीं है ये बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ और दिल्ली में, यही तो सवाल कांग्रेस दाग रही है कि यहाँ आपकी सरकार है तो यहाँ सब कुछ अच्छा है। क्यों क्यों ऐसा ये सवाल कैसे हो सकते हैं, जब राहुल गांधी खुद ही कहते हैं कि अडानी के मामले पे वो सरकार को भ्रष्ट कहते हैं, और अपनी सरकार पे जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि हम पे क्यों क्यों कार्रवाई की जाए, ये कैसा दोहरा मापदंड है? जब कार्रवाई होगी तो सब पे होगी, और ईडी के मामले, और जहां तक यहाँ पे बैठ के एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत खराब है, तो उनके जानकारी के लिए बता दो कि ईडी का कन्विक्शन रेट 93% है, और इसमें से सिर्फ 2% ऐसा है जो कि नेताओं पे हुए, बाकी जगह पे हो रहा है। जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं तहसीन पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब ईडी और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो क्या उनकी जांच को रोक दिया जाए? वहीं मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ, अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ, कमलनाथ जी की ओर से भी बकायदा बड़े बड़े पैम्फलेट बनवाए गए हैं जिसमें घोटालों की लिस्ट लेकर आप लोगों के बीच जाकर गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उन राज्यों में कार्रवाई हो रही है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? और आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है न ईडी चलेगी न सीबीआई चलेगी, इस बार पेन ड्राइव चलेगी, तो जरा दर्शकों को ये भी बता दें कि क्या है पेन ड्राइव में। आवाज आ रही है क्या तहसीन जी? तहसीन आप म्यूट हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं म्यूट हूं, मैं फोन के ऊपर, मैं फोन पर हूं, आपकी ओर से म्यूट होगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फोन पर हूं, बोले आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए जी जी जी। नमस्कार चित्रा जी, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में, और 3 दिसंबर को कमलनाथ जी जब शपथ ले गए मुख्यमंत्री पद के, तब मैं आपको दोबारा से स्वागत आपको दोबारा से मध्य प्रदेश बुलाऊंगा और हम दोनों इकट्ठा जाएंगे और ट्रोल्स उसके बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं। चित्रा जी देखिए, ईडी के बारे में जो मेरे पहले जो वक्ता ने कहा वो बिल्कुल सही है, हर 3 महीने में इस मुल्क में चुनाव होते हैं, लेकिन ईडी इसका नाम बदलकर, वो जो ईडी दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पर, उसको बीडी कर देना चाहिए, बजरंग दल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंग, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होते जहां पर विपक्ष जीतने वाली होती है वहां पर ईडी पहुंच जाती है। चित्रा जी मैं आज तक पे था, वेस्ट बंगाल के चुनाव के समय ईडी वहां पहुंची,
अब मैं आपके साथ हूँ राजस्थान के समय, रीवा पहुंच गई। उसके पहले मैं आज तक पे था अंजना जी के समय के साथ, तमिलनाडु के समय, वहां पर पहुंच गई। ये ईडी ऐसे कैसे पहुंचती जहां विपक्ष जीतती है? अच्छा, मध्य प्रदेश में आप हो, व्यापम केस में कपिल सिब्बल जी और हम लोग सब गए थे व्यापम के ऊपर। सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश दिया ईडी की जांच हो। मामा जी को कितनी बार बुलाया, कितनी बार मामा जी की जांच हुई, 6 लोगों ने आत्महत्या किया, वहां पर ईडी ने कुछ नहीं किया। लुई बर्जर्स केस में भाजपा ने व्हाइट पेपर निकाला हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, व्हाइट पेपर। आज वे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनपे कोई जांच नहीं हो रही, वो विटनेस बन गए। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। वाईएस चौधरी आंध्र प्रदेश में, जीवीएल नरसिम्हा राव जी आपके साथ और मेरे साथ अक्सर शिरकत करते हैं आपके शो के अंदर, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि वाईएस चौधरी जी का पैसा फंडिंग इलीगल है। आज वो भाजपा के सम्मानित मेंबर है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो विटनेस बन गए। ईडी का कॉन्विक्शन रेट 0.5% है। क्यों 0.5% है, इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्योंकि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। 24 जो कन्विक्शन हुए, ये भाजपा के आजकल जो नए नए समर्थक है, ये कहते हैं 24 कन्विक्शन हो गए 26 चार्जशीट के अंदर। ये 24 जो कन्विक्शन हुए, ये मनमोहन सिंह जी के केस के टाइम में चार्जशीट फाइल हुई। मोदी जी के जो टाइम पर जो चार्जशीट फाइल हुई उसमें कन्विक्शन हुए 0.5% ईडी का कन्विक्शन। लेकिन आपको ईडी में बेल नहीं मिलता, क्योंकि ट्विन कंडीशन है, आप गिल्टी हो जब तक अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं करोगे, इसलिए द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए राखी जी। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर इन लोगों की नजर ज्यादा है। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से अभी इन्होंने 3 दिसंबर की बात करी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी को मालूम नहीं है कि 3 दिसंबर को तो शपथ ग्रहण नहीं होगा, उस दिन सिर्फ परिणाम आएगा, और परिणाम किसके पक्ष में आएगा वो जनता देख रही है। वो देखेगी किस तरह से भ्रष्टाचारियों को देश से बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जनता करती आई है और करती रहेगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से साक्ष्य लेकर के घूम रहे हैं, मैं तो पूछना चाहती हूँ क्यों ये साक्ष्य आप आकर के ईडी में जमा नहीं कराते हैं, दिल्ली में आकर के पेश नहीं करते? आप तो पत्रकार हैं, आपके सामने आकर के उन साक्ष्यों को पेश करें कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी जांच करे। मैं बताना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर भी सबसे पहले जब पेपर लीक की बात हुई या जल जीवन मिशन की बात हुई तो राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे सांसद महोदय ने जाकर के ईडी में सारे साक्ष्य पेश किए और उसके बाद ईडी की कार्रवाई यहां पर चालू हुई। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी पेनड्राइव लेके घूम रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता, उनके पास तो अपनी लोकल एजेंसीज है, उन लोकल एजेंसीज के माध्यम से सबसे पहली प्राथमिकता जांच करानी चाहिए सबसे पहले कि क्या गड़बड़ियां हैं उसके अंदर। इस तरह से दिखा करके कोई आप मार्केटिंग प्लान मत बताइए अपना। आप जिम्मेदार पद पर हैं और जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूम चलता है, किसी भ्रष्टाचार के बारे में मालूम चलता है, तो पहला दायित्व यह है कि आप लोगों के बीच में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलिए। आपके पास लोकल एजेंसीज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको भ्रष्टाचार करना है, फिर चोरी और सीनाजोरी करनी है और लगातार ब्लेम लगाना है ईडी पर, सीबीआई पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप न्यायिक व्यवस्था पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि ईडी ने कोई भी चीज आपके यहां से वसूल नहीं की है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको क्यों नहीं बेल देता है? तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए करना है भ्रष्टाचार, लेकिन हर बार, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 2004 से 14 के बीच में भी इन्हीं लोगों पे अटैक होता था। बताइए 4 से 14 के बीच में भी कौन से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर जो है ईडी की रेड हुई? तब भी ऐसे ही होता था, या तो वो आरजेडी के नेता होते थे या एसपी के नेता होते थे। पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार की विचारधारा किसकी है वो सब जानते हैं, देश जानता है कि जो इंडी अलायंस का पूरा गुट है वो सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के स्तंभों पे खड़ा है। इनका ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये तीनों को मिलाकर ऐसे जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद रवि श्रीवास्तव जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो 2004 से 14 का उदाहरण दे रही है, वो कह रही है बताइए बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता था जिसके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन लिया? उस समय भी तमाम विरोधी दलों के ही बड़े बड़े चेहरे जिनके खिलाफ कई कार्रवाई हुई और कई लोगों के आरोप भी सिद्ध पाए गए। तहसीन पूनावाला जी, मैं 3 चीजों का जवाब दूंगा। देश में एक ही राष्ट्रीय दल है जिसके अध्यक्ष जेल में गए कैमरा पे पैसा लेते हुए, वो है भाजपा के। तो भाजपा भाषण ना दे वो सबसे जरूरी बात है। लेकिन राखी जी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक सवाल उन्होंने उठाया ईडी में आपका, राखी जी प्लीज, राखी जी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक तो ईडी में आपको बेल क्यों नहीं मिलता, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकता है आपको बेल, क्योंकि पीएमएलए को जो आपने फाइनेंस बिल के तहत पास किया उसमें कोर्ट को ये कन्विंस होना चाहिए कि आप इनोसेंट हो, क्योंकि प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एजेंसी जैसे मनीष सिसोदिया के केस में आते कहते 338 करोड़ का मनी ट्रेल टेंटेटिवली मिला, कोर्ट को मानना पड़ेगा, तो आपको बेल मिल ही नहीं सकता। ईडी पैसा मिल रहा है उसका भी बताइएगा, सर ईडी ने जो रिकवर किया है सोना और पैसा उसका भी जवाब दीजिएगा, वो भी झूठ है क्या? उसका भी दे देता हूं राखी जी, वो अलग
पैसा और सोना लॉकर से मिल रहा है, लोगों के यहाँ से मिल रहा है, ईडी को ही, वो बता दीजिएगा, उसका भी जवाब दीजिएगा, निवेदन है आपसे। ठीक है, मैं उसका भी दे देता हूँ। आपका दूसरा मुद्दा था 1,00,000 करोड़ की रिकवरी हो गई ईडी से, ये रिकवरी का कुछ मतलब नहीं है, जो पैसे आप दिखा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। रिकवरी अगर होगी लेकिन आपका कॉन्विक्शन नहीं होगा, रिकवरी का क्या मतलब? अगर वो आदमी छूट जाएगा आपको तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, एसेट वापस करने पड़ेंगे, किस चीज की रिकवरी है? खुद आप कहते हो 1,00,000 करोड़ की रिकवरी है, अगर 1,00,000 करोड़ की रिकवरी होती आपका बजट में डेफिसिट नहीं होता, आपका डेफिसिट नहीं हुआ, आपके कॉन्विक्टेड केसेस में आपके प्रॉपर्टीज बिके गए, नॉट इन ईडी केसेस, आपके आईटी केसेस में बिके गए, आपके दूसरे केसेस में, पीएमएलए में आपका कौन सा बिका है बताए, मुझे लिस्ट बताइए, नहीं बिका गया है, क्योंकि 1,00,000 करोड़ का प्रोविजनल रिकवरी होता है। तीसरी बात, थोड़ा सा हम उसमें तथ्यों पे बात करें। तीसरा आपका सवाल था कि हम क्यों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने नहीं जाते, आपके भ्रष्टाचार के कमरे भर भर के हमने वेस्ट बंगाल में पैसा देखा है, कमरे भर भर के पैसा देखा है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे तहसीन जी आप? राखी जी, और लॉकर्स के अंदर सोना भर भर के राजस्थान में हमने देखा है, दो विषयों पर, जल जीवन मिशन जिसमें हर घर पानी पिलाने जैसी संवेदनशील बात थी जो राजस्थान से बेहतर कोई नहीं जानता, पेपर लीक युवाओं के भविष्य की बात थी जो यहाँ के 70,00,000 से ऊपर भविष्य जो युवाओं का खराब किया है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? ठीक है राखी जी, आपका सवाल हो गया, अब मैं तीसरा आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। आपका तीसरा सवाल था हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं जाते आपके भ्रष्टाचार को लेकर। हम गए, गैपम का मुद्दा लेकर गए, कपिल सिब्बल गए, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था। हाई कोर्ट की टिप्पणी, ईडी की केस होनी चाहिए, आपको जजमेंट भेज देता हूँ। क्या किया ईडी ने? कुछ नहीं किया। कब बुलाया शिवराज सिंह चौहान को? 6 लोगों ने आत्महत्या की। अभी तो देखिए राखी जी, आपने कोई कुछ किया हो तो बताइए। दिग्विजय सिंह जी एमपी में लिए लिए घूम रहे हैं ना, साक्ष्य है, जैसा कि बात की जा रही है कि एमपी के अंदर दिग्विजय सिंह जी खड़े खड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं, कौन से साक्ष्य दिए हैं आपने? अब मैं जरा बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप लोगों की बात हो गई अब, ठीक है? ठीक है, जल्दी से तहसीन जी अपनी बात पूरी कर ले, जल्दी से तहसीन जी अपनी बात पूरी कर ले, रवि श्रीवास्तव जी के पास जाना है। मैं एक ही लाइन आपको बता रहा हूँ, अगर ये 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा हारती, 5 हारने वाली लेकिन 4 राज्यों में पक्का अगर भाजपा हारती, ये जो एजेंसी थी ये सारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जानती है ये 2018 की तरह नहीं, 2019 में सरकार बदलेगी, ये सारी एजेंसी ठीक हो जाएगी। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एजेंसी ठीक। आप कह रहे हैं 5 में से 4 में भाजपा हारेगी तो किसमें जीत रही है? अब ये भी सारी एजेंसी ठीक हो जाएगी, ये जो कर रहे एजेंसी सारा बंद कर देगी करना, और अपने इशारा करना बंद कर देगी, क्योंकि ये जानेंगे कि सरकार बदल गई।